नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करने के लिए हम पहले 1 प्लस कॉस 2x के लिए हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स का रूट और dx, जिसमें से कांस्टेंट को बाहर करें तो 1/√2, तो और यहाँ पर बचेगा सिर्फ कॉस एक्स, क्योंकि ऊपर स्क्वायर और रूट है। कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा sec एक्स, और हमने इस अध्याय में sec x का इंटीग्रेशन सीख लिया है, जो कि है log sec x प्लस में tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, जिसमें पहले में आएगा इंटीग्रेशन 1/√ sin x और cos x, प्लस दूसरे पार्ट में इस इंटीग्रेशन को जब बांटेंगे तो कॉस से कॉस हो जाए कैंसिल, बचेगा 1/√ साइन एक्स, जो कि ऊपर आके बना देगा कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं, जिससे यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन साइन 2x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx। जब इसमें साइन वाले पद को ऊपर शिफ्ट किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटीग्रेशन कोसेक 2x प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx। यहाँ पर 2x x के जैसे ही काम करेगा, बस जब इंटीग्रेशन पूरा कर देंगे तो उसके बाद x के गुणा के अंदर 2 का भाग कर देंगे, तो इस आधार पर आएगा 2 गुणा में कोसेक का इंटीग्रेशन हमने अभी अभी सीखा है log कोसेक माइनस कॉट, और x का गुणांक 2 है उसका भाग लगा दिया, प्लस ये सिंपल कोसेक का इंटीग्रेशन है जिसका आंसर बनेगा log कोसेक x माइनस कॉट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, 2 से 2 को कर दें कैंसिल, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो फलनों का गुणा है लेकिन कोई किसी का अवकलन नहीं है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए इसमें 2 का भाग कर देते हैं और 2 का गुणा, जिससे हमारे पास आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन के अंदर है 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी का सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। इस सूत्र का इस्तेमाल करें तो हमारे पास बन जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कि एक्स, और माइनस कॉस ए प्लस बी बन जाएगा 5x। इंटीग्रेशन dx, इसमें एक एक पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, 1/√2 बाहर है, कोस का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस का निशान, इस कोस का इंटीग्रेशन भी बन जाएगा साइन, लेकिन इस बार कोण के अंदर है 5x, तो हमें x के गुणांक यानी 5 का भाग करना पड़ेगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 1 - sin 2x के सूत्र का इस्तेमाल करना है, जो कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है, और यदि हम यहाँ पर रूट का इस्तेमाल करें तो हमारे से यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इसका मतलब हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर बनेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर कोण 2x की बजाय x है, इसलिए हमारे पास जो उत्तर आएगा वह आएगा कोस एक्स 2 माइनस साइन एक्स 2, और यदि ये वाला उत्तर लिखना चाहें तो इन दोनों में प्लस और माइनस का फ़र्क होगा, ये इंटीग्रेशन और dx। तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम लोग प्लस माइनस को बाहर रखते हैं, पहले पद में कोस एक्स 2 था, कोस का इंटीग्रेशन बनेगा साइन एक्स 2, और x का गुणांक है 1/√2 जिसका भाग लगा दिया, फिर माइनस अगले पद में है साइन एक्स 2, साइन एक्स 2 का इंटीग्रेशन बनता है माइनस कोस एक्स 2, और x के गुणांक यानी 1/√2 का भाग लगा देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये 1/2 ऊपर आके बन जाएगा 2, कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो बन जाएगा प्लस माइनस 2 साइन एक्स 2 प्लस कोस एक्स 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है कोस की घात में 4। अब हम
फंक्शन की घात का इंटीग्रेशन करना नहीं जानते। अब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया जिससे हम फंक्शन की घात के इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लें। हम सिर्फ x की पावर n का इंटीग्रेशन ही जानते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इस घात को हटाने की कोशिश करते हैं। इस घात को हटाने के लिए हम लोग लिख देते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx, जिसमें cos स्क्वायर x के स्थान पर आ जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे में 2 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, और ये हमने इस फॉर्मूले से लिखा है। इसके बाद 2 का वर्ग बाहर कर देते हैं तो बाहर आएगा 1/4 इंटीग्रेशन, और इस ऊपर वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब इसमें यहाँ दो पदों तक तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि यहाँ पर फिर से आ गई घात। तो इस घात को हटाने के लिए पुनः इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कोस 2x, और इसके स्थान पर अब बन जाएगा 1 प्लस कोस 4x बटे में 2। हमने पुनः इसी सूत्र का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर x की बजाय था 2x, तो यहाँ पर 2x की बजाय बन जाएगा 4x। तो ये हमारा ये वाला स्टेप बन जाएगा। इसका अगर यदि हम फिर से एलसीएम ले लें 2, तो बाहर बन जाएगा 4 और 2 का गुणा 8, और इस 2 का गुणा जब पूरे स्टेप्स के साथ होगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 2 प्लस 4 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x और इंटीग्रेशन dx, जिसको थोड़ा और ठीक किया जाए तो 1/8 इंटीग्रेशन 2 और 1 मिलकर बना देंगे 3 प्लस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x इंटीग्रेशन। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, किसी में भी घात नहीं है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/8, 3 का इंटीग्रेशन बन जाएगा 3x, इस पद में 4 कॉन्स्टेंट, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन 2x बटे में 2, प्लस इसके अंदर है कॉस, तो बन जाएगा साइन 4x और बटे में x का गुणांक 4। यदि इसको थोड़ा सा और हल किया जाए तो 1/8 3x ये कैंसिल होकर बना देगा 2, तो हमारे पास आएगा 2 साइन 2x और प्लस साइन 4x बटे में 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से फंक्शन के अंदर घात है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं। इसके लिए हम याद करेंगे साइन 3x के सूत्र को, जिसका मान होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस पद को इधर शिफ्ट करते हैं और इसको उधर शिफ्ट करें तो हमारे पास 4 साइन क्यूब x का मान आएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, और यदि हम यहाँ से साइन क्यूब x का मान ज्ञात करें तो वह प्राप्त होगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। इस मान को हम लोग यूज़ कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, जिसमें कोई भी घात मौजूद नहीं है। अब इसका एक एक करके इंटीग्रेशन करें तो पहले 3/4 कॉन्स्टेंट और साइन x का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कॉस x, फिर माइनस 1/4 आएगा माइनस कॉस 3x, और यहाँ पर x के साथ गुणा में 3 है तो इस पद में 3 का भाग, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओवरऑल माइनस 3/4 कॉस x और माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर 3 और 4 का गुणा 12 और कॉस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन है उसके बटे में लिखा हुआ है साइन और कॉस का क्यूब, लेकिन ये इस प्रकार से हल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, हम लोग इस साइन में कॉस का भाग लगा रहे हैं पहले, और यहीं पर ही इस कॉस के साथ एक कॉस का गुणा कर रहे हैं, तो ये वाला स्टेप बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऊपर है dx, बटे में है साइन बटे कॉस, जो कि बन जाएगा 10x। यहाँ पर है कॉस की पावर 4, जिसको हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब इन दोनों कॉस स्क्वायर x को अंश में शिफ्ट करें तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x
इंटू सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स और बटे में चल रहा है टेन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो एक सेक्स स्क्वेयर एक्स है उसको बदल देते हैं वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स में और बटे में है एक सिंगल टेन एक्स और मल्टीप्लाई में चल रहा है सेक्स स्क्वेयर एक्स और डी एक्स। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास है टेन, इसका अवकलन सेक्स स्क्वेयर एक्स हमारे पास मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे टेन एक्स को टी मानते हुए इसका अवकलन, तो हमारे पास आ जाएगा सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसमें तो टी के मान का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर बटे में टी और इसके स्थान पर आ जाएगा डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, जिससे फर्स्ट पार्ट बनेगा एक बटे टी और डी टी इंटीग्रेशन और सेकंड पार्ट में टी स्क्वायर बटे टी से बन जाएगा सिर्फ टी और डी टी। ये एक बटे एक्स का इंटीग्रेशन है पहला, तो बन जाएगा लॉग टी। दूसरे पद के अंदर हमारे पास है एक्स की पावर एन, जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में दो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हम पुनः टी का मान रख देते हैं तो बन जाएगा लॉग एन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे में दो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टेप में जो इंटीग्रेशन है उसमें एक्स इंटू ई की पावर एक्स का अवकलन अंश में मौजूद है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स इंटू ई की पावर एक्स को मान लेते हैं टी, जिसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ इस पर अवकलन हमें यू इंटू वी से करना है, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। जिसको थोड़ा सा हल किया जाए तो ई की पावर एक्स कॉमन आने के बाद बचेगा एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन में ऊपर बन जाएगा इस पद के स्थान पर तो डी टी और बटे में होगा कॉस स्क्वायर और टी। यदि कॉस स्क्वायर वाले पद को ऊपर लाएंगे तो बन जाएगा इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर टी और सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं वो हो जाएगा टेन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टी का मान रखें तो बन जाएगा टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको साइन और कॉस में बदल लेते हैं, तो बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब नीचे वाले पद का यदि हम एलसीएम लें तो उसका एलसीएम कॉस एक्स बनेगा जो कि अंश में शिफ्ट हो जाएगा और बटे में आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में दो का गुणा और दो का भाग कर देंगे। अब जो अंश में हमने लिखा है दो कॉस एक्स, उसमें कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स के रूप में लिखेंगे, बटे में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब अंश के अंदर एक कोस के साथ एक साइन को जोड़ दो और एक कोस के साथ एक साइन को घटा दो, जिससे ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। अब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट लेते हैं, पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो हमारे पास बाहर है एक बटे दो इंटीग्रेशन, इनका भाग देने पर उत्तर आएगा एक डी एक्स, फिर जोड़ का निशान है और एक बटे दो सारों के साथ गुणा में है तो एक बटे दो। अब आएगा इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस में साइन एक्स और अपॉन है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। इस नीचे वाले पद का पूरा अवकलन ऊपर हो सकता है लेकिन सिर्फ माइनस की कमी है, तो हम लोग यहाँ और यहाँ माइनस का गुणा कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा एक बटे दो इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस एक बटे दो इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स। अब यदि आप ध्यान देंगे तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, इसका मतलब इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो गया। एक बटे दो बाहर, एक का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स माइनस एक बटे दो बाहर, नीचे का पूरा अवकलन ऊपर, तो उत्तर बनेगा लॉग कोस एक्स माइनस साइन एक्स यानी नीचे वाला फलन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप चाहें तो एक बटे दो को ले सकते हैं कॉमन, तो शेष बचेगा एक्स माइनस लॉग, और यदि आप चाहें तो इस अंदर वाले फलन के बाहर मोड का उपयोग भी हो सकता है क्योंकि लॉग के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी फाइनल आंसर।
दूसरा पार्ट भी पीछे वाले पार्ट के जैसे ही है, जिसको हम साइन कॉस में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1 cos x / sin x, जिसमें हम यदि एलसीएम लें तो साइन एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बटे में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पूर्व की भांति ही 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे और अगले स्टेप में 2 साइन लिखते हुए एक बार लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक बार लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कॉस को जोड़ दिया और कॉस को घटा दिया और बटे में जो चल रहा है वो सेम रहने देंगे। अब इसके 2 पार्ट करें तो 1/2, इस पार्ट से उत्तर बनेगा 1, तो इंटीग्रेशन 1 dx, और दूसरा पार्ट बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। इसके बाद इसके नीचे का पूरा अवकलन ऊपर हो सकता है, लेकिन इसमें माइनस की कमी है तो हम नेक्स्ट स्टेप में बाहर माइनस का गुणा कर देंगे और अंदर भी माइनस का गुणा कर देंगे, जिससे अब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद होगा और इस स्थिति में इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/2 बाहर, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए इसको पूरे से बाहर कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x, फिर माइनस का निशान और इसमें नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है तो बन जाएगा log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसमें चाहे तो मोड का उपयोग भी हो सकता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आपका फाइनल आंसर है।